कुल केदारेश्वर महादेव की जय। सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य क्षेत्र से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान केदारनाथ जी आपके जीवन में सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें। और कल प्रातःकाल भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट शीतकाल के लिए बंद कर लिए जाएंगे। कहते हैं क्षणमाशम पूज्यते देव्या क्षणमाशम मानवेश। भगवान केदारनाथ जी की पूजा का अधिकार मानव को केवल और केवल 6 माह का होता है। और कल से भगवान शिव के प्रमथगण नंदी भृंगी स्कंद वीरभद्र इत्यादि भगवान केदारनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे। मानवों का अधिकार कल प्रातः काल तक ही रहेगा और उसके बाद ये अधिकार देवताओं के हाथों में चला जाएगा। तो कल प्रातः काल 4 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक पूजन होगा और उसके पश्चात भगवान की समाधि पूजन प्रारंभ कर दी जाएंगी। समाधि भगवान केदारनाथ जी के घी से भस्म से कमल से और अन्न से नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान को समाधि दी जाएगी। कल से भगवान 6 माह के लिए समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधि के समय पर भगवान अपने तप से इस संसार को अनेक प्रकार की ऊर्जाएं अनेक प्रकार के संसाधन अनेक प्रकार के अन्न धन समृद्धि से परिपूर्ण कर देंगे। योधते भुवनानि सप्त गुणवान स्रष्टा रजा संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतिं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्वसमन्वयादधिगतम् पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि मंगलं भगवान शंभुः मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनुहरः।
गणेशा। ओ महारा हर हर महादेव लाशे गिर शिखर अवलोकन कीजिए बाबा केदारनाथ धाम के रास्ते में बहुत ही मनोरम एक और झरना प्रस्तुत है स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल से।